नमस्कार, हमारे चैनल न्यूज़ फैक्ट्री में आप सभी का फिर से स्वागत है। इलेक्शन 2019 के सातवें चरण में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 16 मई को पटना आ रहे हैं और यहां वह रोड शो में भाग लेंगे। पटना में आयोजित राहुल गांधी रोड शो के लिए रूट तय हो गया है। राहुल गांधी पटना साबित से पार्टी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में गांधी मैदान से डाक बंगला तक रोड शो करेंगे। शाम 6 बजे शुरू होने वाला रोड शो 7:15 बजे समाप्त होगा। पार्टीजनों की कोशिश है कि रोड शो का रूट इनकम टैक्स कोलंबर तक हो जाए। राहुल गुरुवार को अपने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में विक्रम में चुनाव रैली करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ के अनुसार राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर शाम 6 बजे गांधी मैदान में उतरेगा, फिर रोड शो शुरू होगा। राहुल के कार्यक्रम की तैयारी लेकर पार्टी की तैयारी बैठक सोमवार शाम सदाकत आश्रम बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस की पूरी ताकत पटना साबित सीट पर झोंकेगी। इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा प्रत्याशी हैं और आगामी 19 मई को मतदान होना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जहां 16 मई को यहां रोड शो करेंगे, वहीं पार्टी के वार्ड संगठन से लेकर पूरी प्रदेश कांग्रेस यही डेरा डालेगी। हालांकि अंतिम चरण में सासाराम सीट भी कांग्रेस के खाते में है की है। वह लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के लिए चुनाव का अंतिम चरण बेहद महत्वपूर्ण है। इस चरण में पार्टी के हिस्से वाली 2 सीटें हैं। दोनों ही जगह चुनाव लड़ने वाले बड़े नाम हैं। पटना साबित और सासाराम में सीधे मुकाबले की स्थिति है। सासाराम में जहां मीरा कुमार का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी छेदी पासवान से है, तो पटना साबित में यह लड़ाई कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के बीच है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो पार्टी की तैयारी पटना साबित सीट पर पूरा दमखम झोंकने की है। पार्टी ने इस सीट के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने अन्य मुख्य पार्टियों संग शत्रुघ्न के चुनाव कार्यालय पहुंचकर बैठक की है। वार्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बांटी गई है। योजना हर दरवाजे पर दस्तक देने की है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही सांसद विधायकों ने से भी चुनाव में जुटने को कहा गया है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।